जय हिंद साथियों मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हूँ ऑलीबुड चैनल पर उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे कैसे हो आप सभी फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ माफी चाहता हूं कि पांच मिनट क्लास या लेट हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं ठीक है हाँ <coughs> मेरी आवाज वगैरह आप सभी तक क्लियर आ रही है एक बार कन्फर्मेशन दीजिए क्या आप सभी मुझे ठीक से देख और सुन पा रहे हैं हाँ जी थोड़ा सा क्लास को एडजस्ट करेंगे मेरा गला सही नहीं है हाँ चलिए बहुत शानदार सीधे फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और पहली आज की जो न्यूज है वो आप सभी की स्क्रीन पे है न्यूज क्या है कि न्यायमूर्ति जो अप्रेश कुमार सिंह हैं इनको त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा नई अपॉइंटमेंट है त्रिपुरा हाई कोर्ट में है तो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है है हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ है है ठीक तो नए चीफ जस्टिस बनाए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो जस्टिस जसवंत सिंह को रिप्लेस किया है दो तो ये आप सभी के लिए ये दोनों नाम महत्वपूर्ण बनेंगे कि रिप्लेस किसको किया गया है और ये यहाँ पर अपॉइंट कौन किए गए हैं नियुक्त कौन किए गए हैं त्रिपुरा की जब बात की जाती है तो त्रिपुरा से आप सभी को याद रखना है कि जब जो है है वो भारत का ऐसा राज्य है जो एक ही देश के साथ तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है ये पेपर जो है एसएससी में पूछा जा चुका है अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि बताइए एक ही देश एक ही देश के साथ में एक ही देश के साथ में भारत का कौन सा राज्य जो है वो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है तो वो बांग्लादेश के साथ में तिरुपुरा लगाता है ये आप सभी को यहां से याद रखना है महत्वपूर्ण तो बनेगा आप सभी के लिए आगे अभी मैं इसी में बात करूंगा जैसे अभी तो मैंने आप सभी के साथ में डिटेल स्टार्ट करी है इसी पर बेस्ड एमसीक्यूज कराऊंगा कल जो एमसीक्यूज किए थे उनका आज रिविजन करेंगे जैसे आज जो एमसीक्यूज कर रहे हैं इनका रिवीजन कल करेंगे ऐसे हमारा रिवीजन भी होता रहता है अगली जो न्यूज है नीले सांवरे को लेकर है इनको मराठा उद्योग रत्न दो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ में भी शेयर करके आ जाइए बहुत शानदार बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं पाती है <coughs> क्लास हाँ आंचल जी डेली जो है मैं काढ़ा पी रहा हूं अभी हाँ, जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में एक भैया वो आ जाएंगे वैसे ही काढ़ा बनवा लूंगा है ना राधे राधे जय श्री कृष्ण well अब देखो यहाँ पर मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये दिया जाता है आपका महाराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र में कुछ उद्योगपति हैं पूंजीपति हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है बात की जाए इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये पुरस्कार जो है उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है उनकी उपलब्धियों के लिए ठीक है हाँ चल तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपसे ये ये भी आपको यहाँ से याद रखना है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है तो ये दिया जाता है जिजाऊ संगठन के द्वारा महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार जो है ये जिजाऊ संगठन के द्वारा दिया जाता है जिजाऊ संगठन के द्वारा दिया जाता है और जब इस अवार्ड की बात की जाती है या फिर इस संस्था की बात की जाती है अगर मैं संस्था की बात करूं 2008 में संस्था की स्थापना की गई थी महत्वपूर्ण तो है आप सभी के लिए ओके निकिता ठीक है so, सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है नीले सावरे का नाम भी याद रखना है हालांकि जब भी ऐसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है तो जेजाऊ संगठन का नाम आपको याद रखना है ठीक है हाँ पिछले चौदह वर्ष से ये बिना किसी चंदे के और बिना किसी तरीके से डोनेशन बिना डोनेशन के ये लोग जो है पिछले चौदह वर्षों से अपना चला रहे हैं और बढ़िया तरीके से अवार्ड वगैरह देते हुए आ रहे हैं इसमें जो आपको याद रखना है नीलेश भगवान संवरे इनको अप्पा के नाम से जाना जाता है फाउंडर है जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ संस्था वॉज अवारेड मराठा उद्योग रत्न अवार्ड ठीक है तो ये आप सभी को याद रखना है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा एंड एक मिनट एक मिनट जिजाऊ एजुकेशन फंड फाउंडेशन या संस्था के संस्थापक नीले भगवान सांवरे हैं ठीक है ये तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के कुछ उद्योगपतियों के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और जिजाऊ फाउंडेशन की जब बात करते हैं 2008 में स्थापित किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में पिछले चौदह सालों से ये काम कर रहा है ठीक है ये आप सभी को याद रखना है अगला न्यूज देखो भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा हाल ही में इनका निधन हो गया है कल की ये बात है अब थोड़ा सा क्लास की तरफ ध्यान दे लो आप सभी ध्यान से समझना मेरी बात को आप सभी यहाँ पर बात जो की जा रही है वो बात की जा रही है उद्योगपति उम्र दराज उद्योगपति की बात की जा रही है और साथ ही साथ में अरबपति जो है केशव महिंद्रा सबसे उम्र दराज अगर अरबपति की बात की जाए तो केशव महिंद्रा निन्यानवे साल की उम्र में इनका निधन हुआ है ठीक है ये काफी महत्वपूर्ण है न्यूज आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि आ, ये आपके सब आ, सबसे निम्नलिखित में से कौन है जो हाल ही में चर्चा में थे इस टाइप से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा केशव महिंद्रा ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा केशव महिंद्रा ये आ, ठीक है, महिंद्रा महिंद्रा है की, की अरबपति अरब बन गए हैं ये आपकी फोटो में भी है तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अब हम बात करते हैं आपराधिक मामलों के लिए यहाँ पर रिसेंट में ही आपराधिक मामलों के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर बताया जा इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा अपराध जो है वो कहाँ पर होते हैं अपराधों की जब बात की जाए कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं दूसरा कौन सा देश है साथ ही साथ में भारत का क्या रैंक है क्योंकि भारत का रैंक आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर बात अगर हम करें दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग की तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैने ज्हेला में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं अपराध से मतलब क्या है तो अपराध से मतलब है तस्करी डकैती हत्या अपहरण और बलात्कार जैसी कई अन्य घटनाएं जिनको अपराध का नाम दिया जाता है वो सभी घटनाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है तो ये आप सभी को यहां से याद रखना है महत्वपूर्ण तो बनेगा इंपॉर्टेंट बनेगा आगे अगर हम बात करें सेकेंड आ, आ, कौन रहा है दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर कौन है बैनजा में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं चाहे वो अपहरण की बात करें चाहे वो हम डकैती की बात करें चाहे वो हम यहाँ पर जो है हत्या की बात करें चाहे हम बलात्कार जैसी अन्य घटनाओं की बात करें सबसे ज्यादा बैने में होता है फिर उसके बाद में पापुआ न्यू गिनी में होता है उसके बाद में आपका अफगानिस्तान आता है अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका ये सभी आते हैं तो ये आप सभी को याद रखना है आगे अगर हम बात करें भारत की रैंक की तो भारत की सतहत्तर रैंक है भारत सतरवें स्थान पर आता है इस इस कैटेगरी में इस रैंक में तो ये आप सभी को यहाँ से याद रखना है ठीक है एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा भारत की रैंक क्या है पहले नंबर पे कौन है और दूसरे पे कौन है तीसरे पे कौन है चौथे पे कौन है तो तीसरे पे अफगानिस्तान है चौथे पे साउथ अफ्रीका है इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो वाइल इंडिया यूएस एंड यू के वर इन दीड इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल रैंकिंग टर्की जापान जर्मनी स्टूड इन द लीस्ट पोजिशन विद क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ये आप सभी को यहां से याद रखना है क्लियर है <coughs> चलिए आगे चलेंगे यहाँ पर नेसा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा यहाँ पर भारत की नेशा दहिया है और इन्होंने कजाकिस्तान के जो अस्थाना है वहां पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था एशियाई कुश्ती का आयोजन किया गया फोटो में आप देख पा रहे हैं हाँ अरे ओ लड़को इधर देख लो कंटेंट इधर हाँ ठीक तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा निशा दहिया को कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है ये आप सभी के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण तो बनेगा ये आ, 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 ए, 68 किलो में 68 किलो के वर्ग आ, में ये पुरस्कार जो है वो इनको मिला है तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा यह आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो रहेगा अड़सठ के में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है निशा दहिया जी का ठीक है जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ अगली न्यूज क्या है अगला अक, न्यू अगली न्यूज जो है वो म्यांमार से है म्यांमार में सैन हवाई हमले में कम से कम सौ लोगों की मौत हुई है यहाँ पर आप सभी को मैं बता दू म्यांमार की जब बात की जाती है तो म्यांमार में ये केस ये हमला पहली बार नहीं है ऐसे हमले कई एक दफा हो चुके हैं लेकिन इस बार सौ से अधिक लोगों की मौत हुई है इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा चर्चा में है यहां पर अगर मैं बात करूं ये मामला पूरा क्या है किस लिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है म्यांमार तो म्यांमार की जब हम बात करते हैं तो भारत का पड़ोसी देश दूसरा म्यांमार में एक फरवरी 2021 में सैन्य जो बल है उसने तख्ता पलटकर कर सरकार को चेंज कर दिया था ठीक है तो जब सरकार को चेंज किया गया उसके बाद कई एक ऐसे आपराधिक हमले कई एक ऐसे हवाई हमले या फिर कई ऐसे हमले जनता पर होते रहे हैं जिसमें अब तक अगर मैं बात करूं लगभग एक फरवरी 2021 से लेकर और अब तक लगभग तीन हजार जो है वो हो चुकी हैं इसमें आप सभी को यहाँ से याद रखना है इस इस चीज जो यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस उनके द्वारा भी कड़ी निंदा की गई है साथ ही साथ में कथित तौर पर अगर कहा जाए तो कम से कम सौ लोगों की मौत हुई है ये आप सभी को यहाँ से याद रखना है ये वहां की सैन्य सेना के द्वारा जनता के ऊपर किया गया एयर स्ट्राइक है हवाई हमला है वहां की म्यांमार की से, सेना के द्वारा जनता के ऊपर किया गया ये हवाई हमला है तो ये कहीं बाहर से नहीं किया गया ठीक है आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में जोड़ा है सबसे अब ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो न्यूज है आपसे ये पूछा जा सकता है जो आपका एल LGBT... में आते हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है जिसके तहत जिसके अंतर्गत यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको ओबीसी में शामिल किया गया है यह आप सभी को यहाँ से याद रखना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग अब मैं जो है वो शामिल कर लिया गया है एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये केवल इसलिए किया गया है ताकि इन लोगों को भी समाज में सम्मान मिल पाए और ये अपनी एक अच्छी जिंदगी जी पाए ठीक है तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये आप सभी के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सभी के लिए

ठीक है नेक्स्ट न्यूज है अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मो को लाइसेंस देना शुरू किया है और विटफिनिक्स पहला लाभार्थी बना है तो अब यहां पर क्या किया जा रहा है यहां पर आपका लाइसेंस दिए जा रहे हैं एल सल्वाडोर में ये फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन बना है तो बिट फिनिक्स बना है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं रहेगा ठीक है तो बट आप इसको याद रखिएगा कि ये मध्य अमेरिका जो मध्य अमेरिका का जो एल सलवाडोर है मिला है बस ये आप सभी को यहां से याद रखना है अगला देखिए इंडिया की आर आर टी एस कॉरिडोर गेट्स न्यू नेम रैपिड एक्स ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो यही बनेगा कि हाल ही में जो है कॉरिडोर को नया नाम दिया गया है निम्नलिखित में से क्या नाम है तो आंसर उस कंडीशन में उस सिचुएशन में आपको रैपिड एक्स जो है वो नाम याद रखना है जब हम इसकी बात करते हैं ये है क्या और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अगर हम बात करें भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो क्षेत्रीय रेल सेवा है उसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है भारत की पहली हाँ ज्ञानदीप दिक्कत यह है कि तू बेटा क्लास पे ध्यान ही नहीं देता तू कमेंट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है समस्या ये है थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दे ले तो ज्यादा सही रहेगा ठीक है हाँ चलो एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा था भारत के आरआरटीएस कॉरिडोर की आरआरटीएस कॉरिडोर का नाम रैपिड दिया गया है यहाँ पर आप सभी को याद रखना है यह पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है ये क्या है कहाँ से इसका संचालन होगा इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम करेगा राष्ट्रीय राजधानी से इसका संचालन किया जाएगा इसकी अगर हम बात करें तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए चलाई जाएगी जिसमें अभी फिलहाल जो है गाजियाबाद मेरठ और मार्ग पर इसको चलाया जाएगा ठीक है गाजियाबाद दि, अ, अ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस रूट पर जो है इसको चलाया जाएगा ये आप सभी को दिस सर्विस विल सेव ट्रेवल टाइम तो आप सभी को यहाँ से याद रखना है कि कहाँ से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर इसको चलाया जाएगा तो महत्वपूर्ण तो है आप सभी के लिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पर रोक लगाने का को मंजूरी दे दी है तो अभी तक जो है यहां पर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसका जो बिल आया था उस पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी गई है वो तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा दी गई है आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है ये आप सभी को याद रखना है ठीक है महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है आपसे अगर ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑनलाइन जो जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी मिली है तो उस कंडीशन में आपको तमिलनाडु याद रखना है मार्च में दूसरी बार तमिलनाडु विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था यह आप सभी को यहां से याद रखना है <coughs> सॉरी अब बात करेंगे जितना अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा उससे संबंधित एमसीयूज एमसी के सर कमेंट्स पर ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे कब कमेंट्स पे ध्यान देना ही नहीं है कमेंट्स पे तो ध्यान देना ही मैं तो कह ही नहीं रहा मैं तो कह रहा हूं क्लास पे ध्यान दो कमेंट्स पे ध्यान मत दो हाँ आगे देखो अब क्वेश्चन आपसे जो मैंने अभी डिटेल में आपको कराया उसी से संबंधित प्रश्न है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात की गई है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया था आंसर क्या हो जाएगा अपरेश कुमार सिंह जो है वो इसका सही जवाब होगा क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो मतलब क्या चाहते हो क्या चाहते हो मैंने कब भी आंसर बता दिया तुम्हें कौन है ये नालायक जिसने शुरुआत करी बी से श्याम सिंह मानसी ने ए किया श्याम ने बी किया फिर उसके बाद सिखा ने ए किया फरहाना ने बी किया फिर ने बी किया तनु ने बी प्रिंसी ए लोग की खोपड़िया फोड़ दू सुबह सुबह दिमाग खराब हो रहे हैं तुम्हारे देखियो जरा अभी जस्ट तुम्हें डिटेल में पढ़ाया क्या मतलब है उसको पढ़ाने का अप्रेश कुमार सिंह को बनाया गया है त्रिपुरा उच्च न्यायालय का नया ने मुख्य न्यायाधीश और जसवंत सिंह सी, की इन्होंने जगह ली है ये बताया था तुम्हें अभी सुबह सुबह तुम लोग कुटने वाले काम करते हो फिर कहोगे सर सुबह सुबह मार रहे हो सुबह सुबह चिल्ला रहे हो चलो नेक्स्ट देखो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र के उद्योगपतियों के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है कुछ लोग जिसको देते हैं और आ, ये उद्योग उद्ध, के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर इसका क्या होगा नीलेश सांबरे जो है वो इसका सही जवाब होगा hmm. नेक्स्ट प्रश्न देखो भारत के सबसे पुराने अरबपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पीड में आंसर करिए सभी स्पीड में Well आंसर क्या होगा केशव महिंद्रा इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है ए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा एक छोटा सा सवाल है लावणी जो है लावणी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहां का नृत्य है लावणी जो है वो कहां का नृत्य है हाँ स्पीड में आंसर बताओ विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में कौन सा देश पर है भारत का रैंक क्या है भारत का रैंक क्या है महाराष्ट्र गुड अरे बाद में पूछ लेना श्वेता तू मार खाएगी बिटिया बहन तू भी कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही है पढ़ ले चुपचाप से चलो Which country has the list? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताया था पहले नंबर पे बहनी है फिर पापुआ न्यूगिनी है फिर अफगानिस्तान है फिर साउथ अफ्रीका है ठीक है ये आप सभी को मैंने बताया था हाँ गुड अगला प्रश्न देखो किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अड़सठ किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है बताइए स्पीड में आंसर करिए एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और शेयर भी कर दो आंसर की बात करें अभी जस्ट बताया था आप सभी को निशा दहिया करेक्ट आंसर होगा इसका निशा दहिया। well done. अगला देखो हाल ही में सैन्य हवाई हमले में कम से कम सौ लोग मारे गए हैं और मैंने आपको इसका कारण बताया एक फरवरी 2021 को यहाँ पर वहां की जो सेना है उसके द्वारा तख्ता पलट कर सरकार बदल दी गई थी और उसके बाद लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं वहां की सेना के द्वारा लोगों पर ठीक है आंसर क्या हो जाएगा म्यांमार जो है वो सही जवाब होगा म्यांमार से संबंधित कुछ एक पॉइंट आपको एक और बता दूं कि जो आपका आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है आरबीआई ने तीन देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है जिसमें आपका म्यांमार आ जाता है म्यांमार आ जाता है पाकिस्तान आ जाता है और भारत तो है ही आपका ठीक है 1948 तक 1948 तक तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है आप सभी को यहां से याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया है तो ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ये लोग भी उस कोटे का फायदा उठा पाए ठीक है <laughs> रिजर्वेशन का लाभ उठा पाए हाँ और एक इक्वलिटी uh, की लाइफ जी पाए बराबर बराबर इनको भी सम्मान मिले हाँ ऐसा किसके द्वारा किया गया है तो ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ठीक है ऐसा किसके द्वारा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है अगला क्वेश्चन देखो सुहे, सुहेल सु वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है सुहेलवा वन्यजीव जीव अभ्यारण जो है वो किस राज्य में है फटाफट से बताइए आप सभी कि इसका सही जवाब क्या होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम यहां पर बात करें तो आंसर उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा यूपी विल बी द राइट आंसर उत्तर प्रदेश जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है किस देश के द्वारा हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की की शुरुआत गई है ये अभी मैंने आपको बताया था यह किया गया है अल सेल्वाडोर के द्वारा सी इसका सही जवाब होगा अल सेल्वाडोर ठीक है ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो बनेगा अगला प्रश्न है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है महत्वपूर्ण तो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात की जा रही है रेल सर्विस की बात की जा रही है तो फटाफट फड़ से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा वेल्डन <coughs> well बहुत शानदार इसकी अगर हम बात करें अभी ये जो है वो आपका दिल्ली गाजियाबाद और जो मेरठ का सफर है उसको मतलब उसको टाइम को बहुत सेव हो जाएगा ठीक है हाँ चलिए वर्ल्डन well <laughs> तो यहां पर रैपिड एक्स जो है वो इसका सही जवाब होगा रैपिड एक्स करेक्ट आंसर होगा मैं जब काला हो जाता हूं तब तो बहुत सही लग रहा हूं इधर <laughs> है ना मतलब फील आ रहा है कि बहुत पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पर रोक लगाने की स्वीकृति किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी गई किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी गई हाँ, की कैपिटल क्या है यहाँ की कैपिटल है चेन्नई आंसर तमिलनाडु हो जाएगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा है ना और स्थापना की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन किया गया था 26 जनवरी 1950 में तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था स्थापना की गई थी इसके अलावा अगर हम रैंक की बात करते हैं एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम रैंक की बात करें क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम रैंक की बात करते हैं तो क्या है जब एरिया की बात की जाए तो ग्यारहवें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो छठवें नंबर पे आता है वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि इसका लिटरेसी रेट क्या है साक्षरता दर क्या है लिटरेसी रेट जो है वो क्या है साक्षरता दर क्या है तो अस्सी पॉइंट जीरो नाइन परसेंट यहाँ पर इसका लिटरेसी रेट है साक्षरता दर है यह आप सभी को यहाँ से याद रखना है सेक्स रेशियो की भी बात की जा सकती है कि सेक्स रेशियो क्या है यहाँ का कहाँ का, तमिलनाडु तमिल का तो सेक्स रेशियो जो है वो आप सभी को यहाँ से याद रखना है नाइन नाइन सिक्स नाइन नाइन सिक्स फीमेल है और वन थाउजेंड मेल ठीक है ये, ये यहाँ का सेक्स रेशियो है ये आप सभी को याद रखना है यहाँ से टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं मंदिर तमिलनाडु के अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं कि तमिलनाडु के मंदिर बताइए ठीक है तो तमिलनाडु के मंदिरों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला मंदिर यहां पर मीनाक्षी मंदिर आता है मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पर है ठीक है रामनाथ स्वामी रामनाथ स्वामी आयो रामनाथ स्वामी टेम्पल है जी तमिलनाडु में जी आयो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जी रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जी ये भी तमिलनाडु में जी कर्नाटका में भी जी है ना ये आप सभी को यहां से याद रखना है इसके अलावा कांचीपुरम पूछा जाता है नटराज पूछा जाता है आयो नटराज टेम्पल है जी नटराज टेम्पल है जी तमिलनाडु में जी कांचीपुरम किधर है जी कांचीपुरम टेम्पल केदार जी तमिलनाडु में भरतनाट्यम कहा का शास्त्रीय नृत्य बताइए से यहाँ की अगर हम त्योहारों की बात करते हैं तो त्योहार यहाँ का जल्ली कट्टू आप सभी को याद रखना है प्रमुख फेस्टिवल्स में आता है और जल्दी कट्टू का जो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ से पोंगल भी याद रखना है भरतनाट्यम तमिलनाडु आयो तमिलनाडु जी अच्छा जी ठीक है जी भरतनाट्यम का हाँ कारा, कारा ये सब किधर का जी तमिलनाडु का जी मुदुमलाई नेशनल पार्क इंदिरा गांधी नेशनल पार्क मुदुमलाई मलाई ये सब तमिलनाडु ठीक है आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर हाँ यार ये लाइट आंख में चोली खेल रही है बार बार आज तो आती है आंख मार के चली जाती है शर्म नहीं आती बताओ मैं यहां बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु तो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर एन रवि कौन है आर एन रवि सीपी राधाकृष्णन राधा कृष्णन कहाँ के हैं झारखंड के हैं ठीक इसके अलावा अगर हम थावरचंद गहलोत की बात करें कर्नाटका के हैं आरिफ मोहम्मद खान की बात करें केरल के हैं ठीक है नेक्स्ट उस राज्य का नाम बताइए जिसने फ्रंट रनर श्रेणी में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा भारत के वर्तमान राजस्व सचिव कौन है रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बताइए आंसर क्या होगा इसका संजय मल्होत्रा संजय मल्होत्रा और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं है ये नहीं इन दोनों में से कौन है बताओ एसबीआई की बात की गई है एसबीआई की शुरुआत जो है वो 1806 से हुई थी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से एक बैंक स्थापित किया गया था जब 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश के मन में एक सवाल आया व्हाई नॉट स्टार्ट ओन बैंक हम अपने खुद के बैंक क्यों ना स्थापित करें तो इनके पास तीन प्रेजिडेंसी थी और तीनों प्रेजिडेंसी पे इन्होंने अपने बैंक खोलने का निर्णय लिया जिसमें इनके द्वारा सबसे पहला बैंक अठारह में बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से खोला गया इसका नाम बदल दिया गया अठारह में क्या कर दिया गया था बैंक ऑफ बेंगाल कर दिया गया ठीक है 1809 में बैंक ऑफ बेंगाल अठारह में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बनाए गए ये बैंक स्थापित किए गए इनको याद करने की ट्रिक है बीबी मारेगी बीबी मारेगी बी फॉर बॉम्बे बी फॉर बंगाल एम फॉर मद्रास बीबी मारेगी ठीक है पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भी, भी मारेगी इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में बनाया गया इम्पीरियल बैंक कौन सा बैंक बना इंपीरियल बैंक ठीक है आप सभी को याद रखना है 1921 में इसी बैंक को 1955 में एसबीआई बनाया गया था ए डी गोरवाला समिति के सुझाव पर ए डी गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पर ठीक है ये सभी को यहां से याद रखना है दिनेश कुमार खरा जो है वो इसका सही जवाब होगा एस कब बना 1955 में बना क्लियर नेक्स्ट रिवीजन करते हैं कल जो हमने पढ़ा था उसका स्पीड में पहला सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व तो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है बताइए स्पीड में आंसर क्या हो जाएगा ग्यारह अप्रैल जालावाला वैद्य का हाल ही में निधन हो गया है और वह कौन थी वह कौन थी स्पीड में आंसर करो कल पढ़ा चुका हूं इसको मैं कल पढ़ा चुका हूं रैपिड फायर सेशन होना चाहिए एकदम जबरदस्त आंसर क्या हो जाएगा एक्ट्रेस थी अभिनेत्री थी बताया हुआ था तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की गई किस देश में की गई जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया कहाँ किया गया युगांडा में किया गया अगला प्रश्न नेम द फार्मा कंपनी हैज द बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज पार्ट एज पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस टू जीरो टू थ्री आंसर की बात करें तो भारत बायोटेक इसका सही जवाब होगा और व्हाट इज द फुल आई यू आई डी ए आई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज क्लियर एंड हु टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉर टाइम मैगजींस हंड्रेड एडिशन ऑफ द लिस्ट हाँ जी से बताइए सभी हाँ गुड डेली करना ही है डेली क्लास करो करंट अफेयर्स की रोज सुबह आठ बजे आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा शाहरुख खान इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा शाहरुख खान और खबरों में रहा जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है? Is that clear? Next, देखो कि डेयरी किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में संजीवनी परियोजना शुरू की गई है किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू करी है हाँ जी जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं रेगुलर करना ही करना है क्लास ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो कोई भी एग्जाम निकाल लोगे इस बात की गारंटी है पढ़ते रहो रोज करंट अफेयर्स हाँ आंसर की बात करें डेयरी किसानों को संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश जो है वो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश और सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबल पुरस्कार कहा जाता है हाँ आंसर क्या हो जाएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा पीडीएफ आपको मिलेगा जीके बाई रोहित गुरु टेलीग्राम चैनल पर जी के भाई रोहित गुरु आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा सी राधा कृष्ण राव सी आर राव ठीक है और भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण किसने लॉन्च किया है डोगरी संस्करण डोगरी मैथिली संथाली बोडो बोड़ो डोगरी इनको कब शामिल किया गया आठवीं अनुसूची में 2004 में बानवेवा संवैधानिक संशोधन किया गया था नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट में चार भाषाओं को शामिल किया गया तब बाईस बाईस भाषाएं बनी कल बहुत अच्छे से समझाया था आंसर किरण रिजीजू जो है वो इसका सही जवाब होगा किरण रिजीजू जो है वो इसका सही जवाब होगा ठीक है और विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग गॉट जी आई टैग कहा गोंड पेंटिंग है जिसको जी आई टैग मिला है गोंड पेंटिंग कहां की है जिसको जी आई टैग मिला है बताइए मार्चा ये मध्य प्रदेश सही जवाब होगा बनारसी पान लंगड़ा आम ये कहा के जिनको जी आई टैग दिया गया है मार्चा राइस भी बता देना साथ ही साथ में मार्चा राइस कहां का है जिसको रिसेंट में जी आई टैग दिया गया है मार्चा चावल गुड नेक्स्ट आईपीएल इतिहास में सबसे तेज रन आ, सबसे तेज छह हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बिहार वेल्डन well बहुत बढ़िया गुड आंसर क्या होगा डेविड बार्नर जो है वो इसका सही जवाब होगा भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है वर्तमान विदेश मंत्री पूछे हैं आप सभी से एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर लोक रंग उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है कहा मनाया जाता है लोकरंग उत्सव हर साल स्पीड में आंसर करिए आंसर क्या हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप सभी क्या करेंगे मुझे ऑफलाइन में कमेंट करेंगे ठीक है ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हाँ। माफी चाहता हूँ क्लास थोड़ी सी आज लेट स्टार्ट हुई थी कुछ इश्यूज की वजह से है ना रेगुलर क्लास कर रहे हो ना आप सभी मजा आ रहा है ना सबको हेल्पर मौर्य आते ही सर मैं सो आई एम सो सॉरी मैं लेट आया था और सुपर डुपर क्लास लिख दिया इसने पहले ही अभी एक सेकंड पहले इसका कमेंट था सर मैं लेट हो गया माफी चाहता हूँ और आप मैंने पूछा क्लास कैसी लगी सुपर डुपर क्लास लगी बढ़िया पकड़ का खूब बढ़िया बोझ दे तुम्हारी झूठी तारीफ करने वाले लोग कमी नहीं है लोगों की हाँ वही चीज ना ऐसे लोगों की कमी नहीं है ऐसे लोगों को तो पकड़ के इनकी चुटिया खोपड़ी फोड़ दो बस मेरे लाल पीले हरे नीले चलिए फिर सर कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएं मतलब दिव्या हाँ सबके कमेंट दिखाई देते हैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं जी बिल्कुल महक जी <coughs> कमेंट सबके पढ़ता हूँ ठीक है बाकी इसका आंसर मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना आज के सेशन को एंड करते हैं थैंक यू सो मच बाय जहिंद ऑफ यू आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर फिर कल मुलाकात होगी सेम टाइम सेम जगह अगले दिन तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद